एक बच्चा है जो कक्षा 4 में पढ़ता है, उसका ही भाई कक्षा 6 में पढ़ता है। उन दोनों बच्चों की माँ अचानक ही बिना किसी को कुछ बताए अपने मायके में चली जाती है और लौट कर फिर वापस नहीं आती। जब घर माँ वापस नहीं लौट कर आती तो घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, सब जगह तरह तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन एक दिन उन बच्चों के जो दादाजी उनकी माँ के पास जाते हैं उन्हें बुलाने के लिए, ये सोचकर कि बच्चों की परवरिश ठीक ठाक हो जाएगी। माँ ने जो उस बच्चे के दादा को कहानी सुनाई, उस कहानी के सुनने के बाद दादा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल माँ कहती है कि इन बच्चों के पिता ने अपनी जिंदगी में इतना कर्ज ले लिया था, चाहे वो शराब पीने के लिए हो या घर खर्च के लिए, लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका था है। जिससे कर्ज लिया है वह व्यक्ति लगातार पैसे की डिमांड कर रहे हैं और ये पैसे देने में असमर्थ हो जाते हैं और लगातार कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है। एक दिन उस कर्ज देने वाले व्यक्ति ने कहा, यदि तुम कर्ज नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, हर दिन जब मैं कहूं अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दिया करो, थोड़ा सा वक्त बिताएगी और वापस चली जाएगी, तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं। यदि और पैसे की जरूरत हो तो और पैसे भी ले लेना। जैसे ही पति यह बात सुनता है तो सोचता है कि कुछ जाने वाला तो नहीं है, क्यों ना इस बात पर पत्नी से मैं मशवरा किया जाए, सलाह ली जाए। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, घर का खर्च चलाने की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों की परवरिश करने की वजह से और थोड़ी थोड़ी बहुत जो मैं शराब पी लेता हूं उसकी वजह से भी मुझ पर कर्ज चढ़ रहा है। और कर्ज उतरने का एक आसान तरीका है, तुम्हें कुछ समय के लिए उसके पास जाना होगा। पत्नी जब ये बात सुनती है वह इतनी स्वाभिमानी और इतनी खुददार होती है कि उसने अपनी पति को पति का घर छोड़ना सही समझा, अपने बच्चों से कहते हुए कि बेटा अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे अपने माँ पिताजी के घर जाना है, तुम खुश रहना, क्योंकि वह बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, उसके पास भी कुछ समस्या थी। जब ये बात वापस गांव वालों में पता चलती है तो लोगों को ये पता चलता है कि कर्जदार की वजह से, जिसने कर्ज दिया था उसकी वजह से यह महिला गांव छोड़कर गई है, तो लोगों को अफसोस होता है। आज की कहानी को सुनाने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप भी सोचकर सन्न रह जाएंगे कि इंसानियत कहां जा रही है। लोग छोटे से पैसे के लिए चक्कर में आकर किसी भी इंसान की जिंदगी के आखिरकार ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। ये घटना है, बिहार प्रदेश का एक जिला है सिवान, और इसी का एक थाना लगता है मेहरबान। दरअसल यहां एक 11 साल की लड़की लगभग 3 महीने से एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में ऐसा लग रहा था ये जो जिंदगी जी रही है वो बहुत ही शानदार अच्छी जिंदगी है। एक दिन उसके साथ जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी उसके साथ एक सेल्फी लेता है और सेल्फी लेने के बाद वह व्यक्ति सेल्फी को फोन के स्टेटस पे लगा देता है। स्टेटस को कोई व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे वायरल करना शुरू कर देता है। दरअसल उस लड़की के माथे पर सिंदूर लगा होता है, मांग भरी होती है, लड़की की उम्र महज 11 साल के आसपास होती है और लड़के की उम्र 40 साल के आसपास होती है। और एक नोट में लिखा जाता है, उस नोट में लिखा गया था, जब इस लड़की की मां ने कर्ज लिया था कोई 20,000 तो कोई 5,000 रुपए बताता है, जब कर्ज पट नहीं जा पाता है तो वह कह देती है कि मेरी बेटी को ले जाओ, और बेटी को ले जाने के बाद वह अपने साथ रखना शुरू कर देता है, उसको जगह जगह अलग अलग शहरों में भी ले जाता है, अलग अलग ले जाने के बाद उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाता है,
उसके हाथ में चूड़ियां और मांग में सिंदूर, पैरों में पायल और अंगुलियों में अंगूठी होती है। उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह शादीशुदा जिंदगी जी रही है, जबकि उस लड़की की उम्र 11 साल होती है और कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा होती है। बस यही बात गांव में उसके आसपास सोशल मीडिया पर काम करने वाला एक लड़का होता है, वह एक छोटी सी वीडियो बनाता है और वीडियो को कुछ लोगों को भेज देता है और उस वीडियो को कुछ लोग देख भी लेते हैं। उसी के बाद कुछ और पत्रकार वहां मौके पर पहुंचते हैं और जाने के बाद लड़की के मां से बातचीत करते हैं। मीडिया के अलग अलग चलने पर अलग अलग ब्लॉग वेडर पर चलती है। अगर हम बात करें दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण कहता है कि 17 फरवरी 2023 को इस महिला ने थाने में जाकर बोली थी कि उसकी बेटी का एक व्यक्ति अपहरण कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो पहली बार देखती है कि उसकी बेटी के साथ शादी कर रही है, हाथों में चूड़ियां और मांग में सिंदूर देखती है, तो वह थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जब पत्रकार इस महिला से बातचीत करते हैं तो बताती है कि उसके पास 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। जब बड़ी वाली बेटी होती है, उसी का एक दूर का रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है महेंद्र पांडे, जो कि एक गांव लगता है लक्ष्मीपुर, वहां का रहने वाला होता है, जो ये कहता है कि बेटी को घर से लेकर गया था कि इसकी परवरिश हम करेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे, इस लड़की को आप हमारे साथ भेज दो। उस लड़की को साथ ले जाता है, 2-4 दिन तो खुश रहते हैं, उसके साथ वह उस लड़की के साथ ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे पति और पत्नी साथ रहते हैं। परंतु महेंद्र पांडे शादीशुदा होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, एक विकलांग होता है, दूसरा इस दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन ये सब होते हुए भी उसकी पति खुद देख रही थी पर उसे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ उसकी जिंदगी में सामान्य चल रहा था। लेकिन माँ की जब अचानक नजर पड़ती है, माँ थोड़ा परेशान होती है, थाने जाती है, गुहार लगाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि उस लड़की के बाद फोटो खींचा था जब वह बहुत खुश मुद्रा में थी, यानी जो फोटो वायरल हुआ था वो कहीं ना कहीं एक हनीमून का फोटो बताया जा रहा है, जब वह बहुत खुश मुद्रा में थी। उस फोटोग्राफ की उसने सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, वह फोटोग्राफ तेजी से साथ वायरल होती है और एक के बाद एक मीडियाकर्मी भी वहां पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि इस घटना से काफी कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हैं, तो आपको बता दें उस कहानी को बताते हैं। तो ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि एक महिला जब कर्ज लेती है और कर्ज लेने के बाद कर्ज नहीं चुका पाती है, तो जिससे कर्जा उसे कर्जा जिसने दिया था वह व्यक्ति उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी करके वह एक शादीशुदा जिंदगी गुजारता है, वह लड़की भी खुश रहती है। जब मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि तुम अपनी मां के साथ रहना चाहोगे या इस व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे जिसके साथ तुम 3 महीने से रह रही हो, तो वह लड़की उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है। सोशल मीडिया पर लगातार खबर वायरल होती है, तब यह खबर पहुंच जाती है सिवान के एक मेहरबान थाना, वहां के जो SHO होते हैं उज्जो कुमार, वहां तक जब पहुंचता है तो उन्होंने इस मामले को, सोशल मीडिया में चलने वाली खबर को बहुत ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उस महिला से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद महिला तहरीर देती है। तहरीर में बताया जाता है कि 4 लोगों ने नाम उसमें शामिल हैं, लेकिन इस महिला ने कर्जे की बात को साफ इनकार कर दिया कि कर्जे की कोई बात नहीं है, उनकी बेटी का अपहरण किया गया है और अपहरण करने के बाद उसकी बेटी के साथ गलत काम किया गया है,
शादी के नाम पर घिनौनी वारदात की गई है, जबकि भारत का कानून कहता है कि बेटी की उम्र जब तक 18 साल कंप्लीट ना हो जाती है तब तक शादी नहीं की जाती है। अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, 40 साल के अंधेड़ व्यक्ति ने जिस तरह से उसके साथ किया है उसकी जिंदगी खराब कर दिया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ अपहरण धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ा दी है। इस पे क्या कहानी है, क्या कर्ज लिया गया है या नहीं लिया गया है, क्या उसने उसका अपहरण किया है या नहीं, क्या उसने उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया है या नहीं, अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लड़की को ऐसी जगह भेजा गया है जहां बच्चों को रखा जाता है, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर उस बच्ची को मनुष्य पर अभी ठीक नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उस लड़की का जो कहना है वो समझदार बच्चे ऐसी बात कर ही नहीं सकते। पुलिस अलग अलग पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। महेंद्र पांडे ने कितना सही किया है कितना गलत यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि एक बच्ची जिसकी मां ने कुछ कर्जा लिया था और कर्ज की रकम जब ना दे पाई तो उस कर्ज देने वाले व्यक्ति ने उसकी बेटी से शादी कर ली और उसी के साथ हनीमून मनाते हुए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमता फिरता है। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। इस कहानी से एक सीख मिलती है और किस प्रकार से इस समाज पे हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। न्यूज 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ।